बोल जल्दी आंसर दे। आंसर आंसर दे मतलब आंसर नहीं बोलेंगे। अरे आंसर दे का रिपोर्ट कार्ड दिखा। ए प्लस एक्सेलेंट एक्सेलेंट मिला। क्या मिला? किन्ने वाला बेटा तेरा ही है ना कि कोई और लिख दिया? मुंबई का टेम्परेचर भाई इतना बकवास चल रहा है आजकल। कल था 41 डिग्री और मजाक नहीं रस्तों पे हीट वेव चल रही थी। हीट वेव सी सर झुलसा गया उसमें पूरा, पता नहीं क्यों निकला उसमें पे। और कल से मेरी जो हालत खराब हुई है, सर जो पकड़ा है, अजीब सा जो लग रहा है पूरे दिन की गर्मी के बाद में। मुंबई का मतलब 40 मतलब सर 45 तो लगता ही है, मतलब 3-4 डिग्री ऊपर ही पकड़ो ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ड्राई हीट तो है नहीं, ह्यूमिडिटी के साथ में गंदा। वेल आज जरा स्पेशल डे है हमारे छोटू का ओपन हाउस है, कंप्लेंट्स का भंडार। मम्मी वो फॉर्म वॉर्म दे दो ना। डायपर किधर? तू भी आएगा? देखा क्या है? हाँ बस यही करो। नहीं नहीं जाता हूँ 11 बजे। थैली दोनों की अभी तेरे स्कूल जा रहा हो, देख कंप्लेंट कितना आएगा देख। बस अरे बाय बाय, चलता तू भी स्कूल नेहा निकल लेके खास करके इसको नहीं मस्ती करता ना इन लोगों ने बोला चले सबको बोला नहीं। क्या केस ने पूछाई छे? केस ने पूछाई छे? ओले इतना केस? अरे ओले दुतलेत में तो बच्चों को तो स्पेशली मना किया आने के लिए क्योंकि मस्ती बहुत करते हैं, बैठते नहीं हो। खास करके ये तो थोड़ा धंधल 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 मचा के रखे। चलो नो कंप्लेंट है सच, बस एक ही ये आया है कि एक जगह बैठता नहीं है, पूरे स्कूल में घूमता रहता है। बैठ के पढ़ेगा नहीं, पढ़ता है बट एक जगह नहीं बैठ के पढ़ता है। और मस्का मारने में प्रो हो गए, सोई 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 करके सबको, कुछ भी गलती करेगा और सोई तो उसके आगे बोल भी कह सकते हैं प्रो है प्रो। प्लस इन बच्चों का गैंग है मस्ती करने वालों का अलग, और कोई अगर शांत बच्चा भी बैठा रहेगा तो उसको खींच के लेके आएगा, चल चल खेलेंगे। हाइपर एक्टिव देख, अभी तेरा रिपोर्ट कार्ड आया। तू एक जगह बैठ के लिखता क्यों नहीं? तू घाई में क्यों रहता? टीचर बोली तू घाई में क्यों रहता? फटाफट लिखने की जाता है तू? बोल जल्दी आंसर दे। आंसर दे मतलब आंसर नहीं बोलेंगे। अरे आंसर दे का रिपोर्ट कार्ड दिखा। दिखा क्या मिला तुझे? ए प्लस एक्सेलेंट एक्सेलेंट मिला। क्या मिला? यकीन नहीं हो रहा बेटा तेरा ही है ना कि कोई और लिख दिया? ट्रेडिशनल डायलॉग हमारे घर का। इनका रिपोर्ट कार्ड ठीक है, प्ले ग्रुप यहाँ पे नहीं किया तेरा, ये वाला टिक मार्क नहीं किया, इसको डबल टिक मार्क करना चाहिए था। क्राफ्ट में तुझे ये आया बेटा? नहीं आता क्राफ्ट तुझे? क्या नहीं? क्यों नहीं आता? मस्ती में तो ए प्लस 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 मस्ती करते ना, मस्ती का सब्जेक्ट भी रहेगा। हाँ मस्ती का सब्जेक्ट रहता तो सबसे आगे रहता तू। हाँ बोलता है, हाँ बोलता है मारने का। कोई बच्चा बेचारा बैठ के पढ़ता रहेगा उसको पकड़ के घसीट के लेके जाने का, चल तू भी खेल है ना। पुलिस कैसे बोली? अच्छा क्यों भाई सब तो मस्ती क्यों करता है तू? देखो अच्छे पेपर गैंग बना के रखा है स्कूल में। सॉरी सॉरी करके सीखा है, सॉरी टीचर कुछ भी गलती करने का सीधा बोलेगा सॉरी। हाँ क्या बोलते है? सोई सोई। ये जो भीगा हुआ दिख रहा हूँ बस मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, इरिन को लेकर आया। इरिन भी पूरा पसीने भीग चुका है, जिद करने लग गया कि भाई नहीं दादी के पास जाना, दादी के पास जाना। कितनी गर्मी में इसको लेकर आया बेचारे, घर में बैठे बैठे बोर हो गया उधर वो भी। चलो इधर ही कम से कम यहाँ रहेगा शाम तक,
मैं अपना काम निपटा लूँगा, उसके बाद में उसको लेकर वापस चले आऊँगा। फिलहाल अभी आफ्टरनून हो रहा है और तकरीबन 1.5 घंटे बाद मेरा PT है, तो अभी मैं तैयार होकर मैं खुद का वर्कआउट पहले करूँगा, फिर बाद में उसका करा दूँगा। तो अपने वर्कआउट के लिए भी मुझे जाना है और पूरा पसीने से पूरा फेंक चुका हूँ अभी। अब मैं टेंशन में ही हूँ कि यहाँ से तैयार होकर निकलूँ या वहाँ जाके तैयार हो जाऊँ। एक्चुअली वहीं भी वर्कआउट करते टाइम पे भीगना ही, वहीं जाकर होता है। बट इस गर्मी में एक चीज़ ज़रूर होती है, आदमी डिहाइड्रेट बड़ा जल्दी हो जाता है। डिहाइड्रेट हो तो वर्कआउट कैसे हो, फिर कमजोरी होती है वर्कआउट में, जल्दी थक जाता है इंसान और वर्कआउट पूरा नहीं हो पाता है प्रॉपरली। बट अपने को टेंशन नहीं, अपने पास एक जबरदस्त चीज़ है एज इट इज़ का एटम PC AA। और गर्मी को ध्यान रखते हुए अपन ने मंगाया है कूल स्पेयरमिंट फ्लेवर। अब इतनी गर्मी में एक मिंट वाला ड्रिंक मिल जाए वर्कआउट के बीच में तो क्या ही बात है। और ऐसा वैसा वर्कआउट भी नहीं, PC AA, जिसमें सिर्फ PC AA नहीं, इसमें L-arginine भी है, L-citrulline भी है, L-glutamine भी है और L-carnitine भी है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगा, आपकी फटीग को भी दूर करेगा और आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन B6 भी प्रोवाइड करेगा। Arginine से आपको अच्छा खासा पंप मिलेगा, citrulline भी आपको अच्छा खासा पंप देगा, glutamine आपको रिकवरी देगा और L-carnitine आपको फैट बर्न करने में हेल्प करेगा, जो आपकी स्टबन फैट है उसको। अभी इसको जरा मैं अपनी बॉटल में भर लेता हूँ, पानी वहाँ जाके भरूंगा ठंडा ठंडा। अगर यहाँ से भर कर लेके गया तो पता नहीं गर्मी में तब तक गर्म ही हो जाए पानी, क्योंकि यहाँ से पहुँचने के लिए वहाँ तक मुझे 10-15-20 मिनट तो लगेंगे। अब ये फ्लेवर को मैं कुछ दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ, जो कि मेरा फेवरेट बन चुका है गर्मी को देखते हुए, और ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। फ्लेवर इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत ही मिंटी सा फ्लेवर है। और इसको अपन डालेंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर थोड़ा सा अपन बर्फ़ डाल के लेके जाएंगे, क्या पता उधर गर्म पानी निकला तो आइस क्यूब डाल के लेके जाओ, सबसे बेस्ट। तो ऑल द जिम गोअर्स, जरा इस गर्मी में अपना ध्यान रखो, पानी ज्यादा पियो, हाइड्रेट रहो, अपना BCAA कैरी करो और एज इट इज का एटम BCAA कूल स्पेयरमेंट फ्लेवर चेकआउट करना नहीं भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखना। और एक्स्ट्रा 5% के लिए आपको पता है क्या करना है, बस इन एज इट इज ये कूपन कोड आप यूज करो, आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिल जाएगा ओनली ऑन एज इट इज की वेबसाइट पे। अभी अपन ने सब भर दिया, अभी यहाँ से निकलने के लिए तैयारी करते हैं। पहले देखना पड़ेगा इयररिंग्स हो गया या नहीं, या तो फिर खेल रहा है या नहीं, क्योंकि अगर पीछे पड़ गया तो मेरे वर्कआउट के लग जाएंगे, मेरा वर्कआउट छूट जाएगा और फिर सीधा मुझे सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ से सीधा मैं आपको मिलता हूँ जिम में। अच्छा हुआ मैंने बर्फ डाल के लेकर आया था, यहाँ तो ठंडा पानी ख़त्म हो गया, जस्ट रेडी होकर अंदर आया और पसीना पसीना हो गया। अभी तक वर्कआउट चालू भी नहीं था, ऐसा अपन मार रहे हैं चेस्ट। क्लाइंट का मैसेज आया कि नहीं आ रहा है, तो अब मुझे मेरा वर्कआउट खत्म करके नहीं जाना पड़ेगा, अपने पास अच्छा खासा टाइम है। पर घर जाके मुझे ऑनलाइन PT लेना है, फिर उसके बाद में एक और PT है J9 में जाकर देना है और फिर रात में एक और PT है। अब घर पर आया तो एक नया सीन हो गया, इरेन को बुखार चढ़ गया अचानक से, तो अभी मेफ्टल देना पड़ेगा मुझे उसको, और पता नहीं शायद गर्मी की वजह से ही हो रहा है हीट वेव्स। और मैं सोच रहा हूँ अभी बाल कटवा ही लूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से हेलमेट में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और मेरे बाल भी गिर रहे हैं उसकी वजह से अटक अटक के। तो आई थिंक कि टकला होने का टाइम आ चुका है, बाल छोटे करा ही देता हूँ, पहले तो जाके इसको ही देता हूँ। चलो बाय बाय, टाटा करो।
उधर चलो चलो हीरो पुलिस है पुलिस है पुलिस अंकल है आगे तक पुलिस अंकल है मस्ती करेगा तो लेके जाएंगे चलो जैसे तैसे चकमा देके तो निकल गया पर बाल कटाने थे मुझे ट्रिम कराने थे पूरे बाल बट सारे सैलून यहाँ पे फूल है अभी यूनिसेक्स में सब आंटी लोग बैठे तो एक दो घंटे से पहले लोग निकलेंगे नहीं और जगह खाली होगी नहीं तो मैं तो निकलता हूँ क्योंकि मेरा आधे घंटे में बीती है मुझे पहुँचना ही चाहिए नहीं किसी भी शाम का पीटी इसके बाद एक और है शाम बोलूँगा रात बोलूँगा रात का बेटी तो यहाँ पे ना 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया राइट नेक्स्ट महीने से सॉरी नेक्स्ट वीक से डाइट पे जाएगी एंड वहाँ से 90 डेज चालू हो जाएगा शी इज थिंकिंग टू व्लॉग क्या डेली व्लॉग एक एक मिनट का एक एक मिनट का डेली व्लॉग सोच रही है इंस्टाग्राम पे करने का तो ऑल द बेस्ट फॉर यू पूरा रिकॉर्ड करने वाली है 90 दिनों का पूरा जर्नी लेट्स सी कितना जा कैसा जाता है और कितना कम होता है वैसे टारगेट क्या है पूरा तेरा गोल क्या है हाँ नहीं कितना कम करने का तूने सोचा है कुछ का ये सबसे अच्छा गोल देता है जितना हो सके होता है एक टारगेट फिक्स करके चलोगे नहीं होगा अगर बीच में नहीं हो रहा है ऐसा लगता है ना एक कॉन्स्टेंट हो जाता है जहाँ पे फ्लैट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है अगर दिमाग में यही बैठा हो कि जितना हो सके उतना कम करना है आगे बढ़ते जाओगे कि इसके साथ मैं भी कार्डियो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आज कार्डियो सेशन छूट गया मुझे घर पर वापस आना था इवेंट के लिए इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ वर्कआउट बहुत अच्छा किया बैक सोर है बेचारी का कैसा लग रहा है सेशन के बाद हाँ बैक छोड़ के सब सही है मैं भागता हूँ क्योंकि इसके एक घंटे बाद में मेरा एक और है ऑनलाइन पीटी लास्ट रहेगा खाना खा के सो जाऊँगा मैं टायर्ड हो गया गर्मी ने एकदम पछाड़ दिया आज और बाल काटना रह गया रात के बज रहे हैं 1:37 अब जाकर मेरा फेस टाइम ख़त्म हुआ है कॉल मतलब अब जाके मेरा पीटी ख़त्म हुआ है 12 बजे स्टार्ट हुआ था 12:05, 12:10 और अब जाके ख़त्म हुआ है लैपटॉप होने का ये फ़ायदा है तो भाई जो मुझे कह रहे थे कि डेली ब्लॉग करो देखो भाई ऐसा कुछ मेरा दिन जाता है मैंने सुबह का तो आपको बताया भी नहीं मेरा शेड्यूल क्या रहता है मुझे कितने बजे उठना पड़ता है आजकल और कितना घंटा सो रहा हूँ मैं तो ये सब चीज़ों में पॉसिबल नहीं है और अभी मुझे और भी क्वेरीज आ रही है उनका भी मैं कैसे मैनेज करूँगा टाइम मुझे वो भी नहीं पता है मोस्टली पीटीज में जाती है टाइम तो मैं कैसे फिर ब्लॉग्स करूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं एक साल मैंने बॉडी बिल्डिंग को दिया तो मैंने नहीं किया इतना ट्रेनिंग एंड में मैंने वापस शुरू कर दी थी बट अब जब ऑफ चले गया हूँ तो मेरा फुल टाइम यही काम है तो इसमें मैं रहता हूँ एंड बाय द वे रमज़ान के बाद ये डायरेक्ट यही व्लॉग है मैंने बीच में एक इंस्टाग्राम पे मैं लाइव गया था और मैंने बताया था कि एग्जैक्टली क्यों मैं व्लॉग नहीं कर रहा था इतने दिन से घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई समवन हैज़ पास्ड अवे इन आवर फैमिली हमारा फैमिली मेम्बर तो इस वजह से व्लॉग नहीं किया और एक्चुअली ईद भी नहीं मनाई है रीज़न बहुत ही कॉमन है जो आजकल चल रहा है तो हेल्थ पे अपना ख्याल रखो भाई इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और एक और चीज़ है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो कब आपका नंबर आए कब मेरा नंबर आ जाए कुछ पता नहीं बस अच्छे काम करो ताकि ऊपर जाके मुँह दिखा सको इतना ही बोलूँगा